Competition Committee, as always, is coming up with its new initiative in the interest of CGPSC aspirants with its latest CGPSC pre-mobile course for English medium students. And in this course, with flowchart, images, and in other creative way, I have covered all the required dimensions of Indian economy and Indian geography subject for CGPSC prelims exam. So without wasting time, grab the opportunity. एंड वेलकम टू कॉम्पिटिशन कम्युनिटी। कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के माध्यम से सभी बच्चों से एक प्रश्न पूछा गया था कि वो हमसे और क्या चाहते हैं जो उनको अपनी परीक्षा को सफल करने में सहायता प्रदान करे। बच्चों ने कहा, यदि हमें पिछले प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करवा दिया जाए और यह बता दिया जाए कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को उत्तर लिखने की रणनीति क्या होती है, तो उसके द्वारा हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके वादे के मुताबिक मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी के लिए सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के विश्लेषण को लेकर आई हूँ। 2017 तक के यदि हम मुख्य परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के विषयों की बात करें तो भाषा के अंतर्गत पहले चार प्रकार की भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे, जिसमें हर प्रश्न पत्र में 50-50 अंक निर्धारित थे, जिसमें हिंदी, संस्कृत, छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा थी। पाठ्यक्रम में जैसे ही परिवर्तन किया गया, संस्कृत भाषा को हटा दिया गया और उस संस्कृत भाषा के 50 नंबर के अंक अब वर्तमान समय में हिंदी भाषा में जोड़ दिए गए और देखा जाए तो 100 नंबर की हिंदी, 50 नंबर की छत्तीसगढ़ी और 50 नंबर की अंग्रेजी के साथ आप केवल 3 प्रकार के विषय को हल करते हैं। इन्हीं 3 विषयों में से मैं आपको 2 विषयों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण बताऊंगी, जिसमें हिंदी और होगी छत्तीसगढ़ी भाषा। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी 2016 के प्रश्न जो हैं वो लिखे हुए हैं। तो ध्यान रखेंगे, हिंदी के मेंस में 2 पक्ष हैं, एक है व्याकरण खंड और एक है साहित्यिक खंड। छत्तीसगढ़ी विषय का एक पक्ष जो है छत्तीसगढ़ी साहित्यकार और उसकी रचनाएं, उसका भी हिस्सा हिंदी में लेकर चला जाता है। जब तक सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में सी सेट को क्वालिफाई नहीं किया गया था तो 20 प्रश्न जो थे वह हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा से मिलाकर पूछे जाते थे। जैसे ही सी सेट को क्वालिफाई किया गया, अब छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा के प्रश्नों की संख्या यदि हम प्रारंभिक में कहें तो 20 से उसका दायरा जो है वो आगे बढ़ गया है। एक प्रारंभिक परीक्षा देने वाला विद्यार्थी जब हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रश्नों को हल ही नहीं करता, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, उसे पढ़ना ही नहीं चाहता, यह सोचकर कि सी सेट क्वालिफाई है, मैथ्स और रीजनिंग में मेरे इतने स्कोर हो जाएंगे कि लैंग्वेज की तरफ मुझे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप सभी को यह जानकारी होगी कि वह व्याकरण पक्ष जो सीजीपीएससी प्री में पूछे जाते थे, जहां आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे, उसी से संबंधित प्रश्न व्याकरणिक आपको सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा में पूछी जाती है। सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा में जब आपको लिखने दिया जाता है तो मात्रात्मक त्रुटियां, उत्तर को सही ढंग से न लिख पाना और तरीके की जानकारी नहीं होने से चूंकि आपके अंक यहाँ से कट जाएंगे, इसी गलती को ना करें तो उसे समझाने के लिए मैं आपको प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करके बताऊंगी। ध्यान रखें कि हिंदी भाषा में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो आपको याद करने होते हैं, कुछ हिस्से ऐसे हैं जो आपको समझना होता है और हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें यदि मात्रात्मक त्रुटि हो गई, वर्ण के लेखन में त्रुटि हो गई या एक बिंदी की भी गलती हो गई तो उस शब्द का अर्थ बदल जाता है।
इसलिए वर्तनी की शुद्धि, उच्चारण की शुद्धि और व्याकरणिक नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। जहां याद करना है और समझना है तो सबसे बड़े आपकी सहायता है प्रतिदिन हिंदी के लिए एक पैराग्राफ आपका लेखन का होना जरूरी है। डिक्टेशन वर्ड आप जो लिखते हैं, जो डिक्टेशन चलेगा वही आपकी प्रैक्टिस होगी। पत्र लेखन प्रैक्टिस है, संक्षेपण प्रैक्टिस है, बाकी व्याकरण की चीजें जो है वो आपको याद करने वाली है। यहाँ हमेशा व्याकरण से प्रश्न आपको पूछा गया है, जहां आपको 2 नंबर 3 नंबर के प्रश्न व्याकरण से पूछे गए हैं और यही व्याकरण में पूछे जाने वाले प्रश्न आपके सीजीपीएससी प्री में जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम 2016 में पूछे गए प्रश्न की ओर। 2 नंबर का सबसे पहला प्रश्न हुआ करता है भाषा बोली से संबंधित। अब तक आप देखेंगे पुराने पत्रों को देखें तो 2 नंबर के प्रश्न में हमेशा भाषा और बोली से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन 2016 में पहला प्रश्न आपको पूछ दिया गया था यहाँ पर, जिसमें पूछा गया था कि स्वर और व्यंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह पहली दफा था जहाँ स्वर और व्यंजन के बारे में पूछा गया था, क्योंकि 2015 तक बोली भाषा को समझाइए, भाषा और राजभाषा में अंतर बताइए, इस तरह के प्रश्न ही पूछे जाते थे। अब यहाँ अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा गया है तो आपको यहाँ परिभाषा न लिख करके स्वर और व्यंजन में डिफरेंसेस क्या होते हैं वो लिखने होंगे। उसके बाद यदि हम दूसरे प्रश्न की बात करें, पर्यायवाची, ये सबसे बड़ी गलती आपकी होती है यहाँ पर। आप क्या करते हैं कि आपको पर्यायवाची और समानार्थी में अंतर मालूम नहीं होता। समानार्थी शब्द अपने ही समान शब्द के सरल अर्थ को बताता है और पर्याय का मतलब होता है विकल्प। विकल्प यानी कि जहां किसी शब्द का बहुत सारे नाम तो होंगे जिन्हें विकल्प के तौर पर चुना जाएगा, परंतु अनेक प्रकार के नाम होकर वह केवल एक ही अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी आपको किसी भी परिस्थिति में गणेश का और पक्षी का 2 पर्यायवाची लिखना है। अब लिखने के लिए यदि आपने गणेश लिखा, ठीक है, अब आपने गजानन लिखकर छोड़ दिया, ठीक है ना, आपने गणपति का जो पर्यायवाची है गणेश, इसका एक ही पर्याय लिखा, आपने इसे पर्यायवाची से बदल दिया समानार्थी में। तो ध्यान रखेंगे पर्यायवाची में किसी भी परिस्थिति में 2 शब्द का लिखा जाना जरूरी है, इसलिए गजानन और यदि गणपति लिखते हैं तभी आपको यहाँ पर पूरे 2 अंक प्राप्त होंगे। हिंदी का व्याकरण जो पक्ष है आपको ठीक उसी तरह से नंबर दिलाता है जिस तरह आपको गणित में अंक जो है मिलते हैं। यदि गणित में आपने 2 और 2 = 4 लिखा तो हिंदी के व्याकरण में यदि जहां आपने शुद्धता के साथ में लिखा तो आपके पूरे अंक निर्धारित हैं। तीसरा देखें अगर हम इसमें, तो विलोम शब्द लिखने के लिए कहा गया है। विलोम शब्द हम बात करेंगे यहाँ पर, तो विलोम शब्द ऐसे होते हैं, इसकी कुछ शर्तें होती है। यदि ये विलोम शब्द साधारण बोलचाल के एवज में पूछा गया है तो उत्तर भी वैसे ही होंगे, लेकिन यदि यहाँ पर तत्सम शब्दों से संबंधित विलोम पूछा गया है तो उसका उत्तर भी तत्सम प्रभावी होगा। जैसे कि अंधकार है तो ज्योति लिखेंगे, या अंधकार है तो प्रकाश लिखेंगे, लेकिन यदि अंधेरा है तो उजाला लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लिखने के लिए ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन को उतारें, लेकिन मैं कहूंगी क्वेश्चन उतारें। क्वेश्चन उतारें मतलब आपको ये उतारने की जरूरत नहीं है वहां पर, क्योंकि वहां पर स्पेस दिया होता है। आपने गणेश लिखा है तो गणेश के सामने एरो लगाकर आप वहां पर गणपति और गजानन लिख सकते हैं, लेकिन यदि आपने सिर्फ ऑप्शन अ और आ लिखा तो ध्यान रखेंगे कि थोड़ा भी अगर 19-20 का फर्क हो गया तो आपके जो प्रश्न के उत्तर हैं सही होकर भी जांचकर्ता को यदि भ्रमित कर देगा तो अंक दिए जाने पर वहां पर कठिनाई होगी। अब अगला प्रश्न हम देखें तो यहां पर दिया है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। शुद्ध रूप की हम बात करेंगे तो ये आपका प्रश्न पूछा गया है वर्तनी शुद्धिकरण से। वर्तनी शुद्धिकरण में जरूरी
नहीं है कि सारे जो ऑप्शन हैं वो गलत ही हो। कभी कभी आपको कंफ्यूजन क्रिएट कराने के लिए उस शुद्ध वर्तनी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्वयं शुद्ध होते हैं, इसलिए यह दिमाग का फितूर निकाल दिया जाए कि यह भी गलत है, जिसे मुझे शुद्ध करके लिखना है। तो कभी कभी इन चार ऑप्शन में से कुछ ऐसे होते हैं जो शुद्ध होते हैं, अधिकांशतः तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी को लिखने के लिए कहा जाता है, जिसकी मात्रात्मक त्रुटियों को ही आपको शुद्ध करना है। अगला प्रश्न है यहाँ मुहावरा और लोकोक्ति। प्रारंभिक परीक्षाओं में जब आप चौथी पांचवी में रहते हैं तब से यह मुहावरा और लोकोक्ति जो है हमेशा से हिंदी पाठ्यक्रम का हिस्सा रहा है, और इससे संबंधित मुहावरे जैसे कि अंधे की लाठी, आस्तीन का सांप, भीगी बिल्ली बनना। तो मुहावरा और लोकोक्ति में ध्यान रखेंगे कि यदि प्रश्न कहता है कि मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो उस मुहावरे का अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है, क्योंकि यदि यह तीन अंक का है तो आधा नंबर आपके इसके अर्थ स्पष्टीकरण में और आधा नंबर इसके वाक्य प्रयोग में होगा। यदि आपने केवल वाक्य प्रयोग किया, अर्थ स्पष्ट नहीं किया, तो आधे अंक वहां से आपके कट जाएंगे। इसलिए उत्तर में जो प्रश्न के अंतर्गत जो पूछा गया है उसका आपके द्वारा स्पष्टीकरण किया जाना जरूरी है। मुहावरा वाक्यांश है, लोकोक्ति संपूर्ण कथन है। मुहावरा वाक्य के भीतर प्रयोग किया जाना जरूरी है, जबकि लोकोक्ति संपूर्ण कथन होकर केवल एक व्यंगात्मक तौर पर या अपने अनुभव पक्ष को साझा करने के लिए यथार्थ पर आधारित लोकोक्त बातें होती है। जैसे अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, आगे नाथ न पीछे पगहा। तो अब तक देखा कि मुहावरे के अंतर्गत यहाँ हमारे पास कुछ ऐसे तत्व हैं जिससे हमेशा से आपको प्रश्न जो है वो पूछा गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारी संधि। चूंकि यह प्रश्न पत्र जो होता था 50 नंबर का था, इसलिए यहाँ पर केवल आपको एक प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित की संधि कीजिए। संधि कीजिए यानी आपको यहाँ संधि का नाम नहीं लिखना है और न ही आपको संधि के विशेष विशिष्टीकरण की आवश्यकता है। यहाँ दिया हुआ है महोदार्य। अब महोदार्य दिया है तो आप सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे महाओदार्य से महोदार्य, ठीक है। जगदीश कहते हैं तो यहाँ पर संधि आप लिखेंगे जगदीश को, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर संधि कीजिए कह रहा है तो सिर्फ आपको इसकी संधि करनी है। यदि वहां प्रश्न पत्र में इस तरह लिखा है और बगल में अगर आपको स्पेस दिया है तो बगल में ही आप उसकी स्पेस लिखेंगे, इसको पुनः उतारने की वहां पर कतई आवश्यकता नहीं। इसके बाद समास से संबंधित प्रश्न है। यहां पर संधि करने दिया गया है लेकिन यहां समास विग्रह कहा है। समस्त पदों को जब पूर्व पद और उत्तर पद में विभक्त किया जाता है तो उसे कहा जाता है समास विग्रह, जिससे संबंधित आपको चार ऑप्शन यहां पर दिए हैं। इसके बाद आता है आपके लिए एक ऐसा प्रश्न जो है उपसर्ग से रिलेटेड। इस उपसर्ग से आपको क्या कहा है, निम्नलिखित उपसर्गों से एक एक शब्द का निर्माण कीजिए। अब आपको इसका प्रयोग करने की आवश्यकता है। जैसे अति दिया है तो आप अति लिखकर डैश लगाकर लिख सकते हैं, जैसे कि अत्याचार, ठीक है, और जैसे लिख सकते हैं अत्यधिक। लेकिन अगर आपका प्रयोग बिल्कुल छोटे बच्चों की जैसे है, जैसे अति धन आचार बराबर अत्याचार, इतना लंबा चौड़ा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह समय का नहीं में नहीं दुरुपयोग कहलाएगा। अगर आपने अति लिखकर बगल में दो आंसर लिख दिया तो भी यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ आपके द्वारा उपसर्ग का प्रयोग जो है वो किया गया है। अगला प्रश्न देख लें तो अगला प्रश्न है अर्थ भेद स्पष्ट करने के लिए। इस अर्थ भेद को हम देखें तो इसे समोच्चारित शब्द भी कहा जाता है, समश्रुत शब्द भी कहते हैं, भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं और समरूपी भी कहते हैं। एक ऐसा शब्द जिसका कि उच्चारण तो एक समान हो परंतु मात्रात्मक और अर्थ की दृष्टि से भिन्न होंगे, जैसे कि नाड़ी और नारी,
खास और ह्रास, निर्धन और निधन, इससे दो प्रश्न पूछने वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी इसके अर्थ थोड़े से अलग हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ दिए निम्नलिखित शब्दों में अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए, यानी सिर्फ आपको इसका अर्थ बताना है। जैसे कि निर्धन है तो हम कह सकते हैं गरीब, अगर वह निर्धन है तो हम कह सकते हैं गरीब, और निधन का मतलब होता है मृत्यु, ठीक है। लेकिन इसी से दूसरा प्रश्न कह सकता है निम्न समोच्चारित शब्द का अर्थ भेद वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए, तब आप कह सकते हैं कि सुदामा निर्धन थे। दूसरा बार अगर हम कह सकते हैं कि मेरे पड़ोस में शर्मा जी का अकस्मात निधन हो गया, तो अर्थ स्पष्ट जो है वो वाक्य प्रयोग से भी हो सकते हैं और केवल इस तरह से पूछने के लिए भी हो सकता है। अगला देखें तो अगला है वाक्यांशों का एक शब्द जो हमेशा से पूछा जाता रहा है, कभी दो, कभी तीन, तो कभी चार। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए हैं उसके बगल में आप डैश लगाकर लिख सकते हैं अगर उस प्रश्न पत्र में केवल आपको लाइन दिया है। जैसे कभी आपको यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है लेकिन इसके सामने केवल एक लाइन दे दिया है, तो आप इसमें इक्वल करके लिख सकते हैं उसके उत्तर को। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, इसको लिखने के बाद अगर आपको ऑप्शन के लिए जगह दिया है, तो अब वहां पर आप ऑप्शन नंबर वन लिखेंगे, लेकिन आपके ऑप्शन के अनुसार उसका उत्तर होना आवश्यक है। किसी भी तरह से आपके ऑप्शन ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, कोशिश करें कि ऑप्शन जो है वो क्रमानुसार हो। अगला, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम यानी कि संस्कृत रिलेटेड वर्ड्स होते हैं वो तत्सम होते हैं, और उस संस्कृत के शब्दों का हिंदी रूपांतर जो है वो तद्भव होता है। यहाँ हिंदी में दिया हुआ है आपको शब्द जिसमें आपके देखे जाएं तो कह सकते हैं कि आग, भौरा, दिया और बही, ये हिंदी के शब्द है जिसका संस्कृत तत्सम रूप लिखना है। जिस तरह वर्तनी शुद्धिकरण दिया था, अब यहाँ पर आपको वाक्य शुद्धिकरण से भी प्रश्न पूछा जाता है। वाक्य शुद्धिकरण करने का नियम यह है कि वाक्य के अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि वाक्य के अंतर्गत विराम चिन्ह संबंधी या मात्रात्मक त्रुटियां या शब्द के अनर्गल प्रयोग वाले इस्तेमाल देखे जाएं, तो उन्हीं गलतियों को छांटकर उसको शुद्ध रूप देकर लिखना वाक्य शुद्धिकरण होगा। सबसे महत्वपूर्ण जितनी चीजें मैंने आपको बताई, यह आपके केवल व्याकरण का हिस्सा है। जहां आपको गणित की तरह पूरे अंक प्राप्त होते हैं, क्योंकि वन वर्ड आंसर की तरह आपको उस प्रश्न का यहाँ पर उत्तर लिखना है। और जितने हिस्से मैंने बताए ये सभी आपको याद करने वाले होंगे, यानी कि विलोम, पर्याय, यहां तक कि आपका वाक्यांशों का एक शब्द, यहां तक कि आपको यहां पर समोच्चारित शब्द, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये जितने भी व्याकरण के पक्ष हैं इन सब को याद करना है। चूंकि आप इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि अधिकांश बहुत ही सरल तरीके से वही पर्याय, वही विलोम और ऐसे ही सरल शब्दों को पूछा जाता है, लेकिन एक छोटी सी गलती आपके यहाँ अंकों को कटवा देती है। अगला देखा जाए, यहाँ से मुख्य परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंक स्थापित होता है, जहाँ आपको एक अनुच्छेद दिया जाता है जिसको एक तिहाई हिस्से में आपको जो है संक्षेपण करना होता है, और इसमें संबंधित दो प्रश्न होते हैं। यह 6 नंबर का प्रश्न, जहां 1 नंबर इसके शीर्षक में होते हैं तो 5 नंबर इसके संक्षेपण में होता है। संक्षेपण करने के नियम, संक्षेपण करने का एक तरीका होता है, भावपूर्ण संक्षेपण किया जाना चाहिए। इस पैराग्राफ में इस्तेमाल हुए जो लाइन है हम उसे कॉपी नहीं कर सकते, यानी कि इस पूरे अनुच्छेद को पढ़ लेने के बाद आप अपने अनुसार वहां पर उसका एक तिहाई हिस्से में संक्षेपण करते हैं। संक्षेपण कर लेने के पश्चात यदि आप संक्षेपण कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि संक्षेपण में कभी भी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
न ही आप उसकी शुरुआत इस तरह कहें कि निम्न अनुच्छेद का संक्षेपण प्रस्तुत है, ऐसा कुछ भी आपको नहीं लिखना है। ध्यान रहे कि संक्षेपण के लिए शीर्षक दिया जाए, शीर्षक को डबल इन्वर्टेड कॉमा में पैक कर सकते हैं या उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं, और उसके पश्चात आपका संक्षेपण शुरू और संक्षेपण खत्म होने के बाद मूल अनुच्छेद में कितने वर्ड्स यूज किए गए थे और आपके संक्षेपण में उसका 1/3 कितना हुआ, उसे मेंशन करना जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो संक्षेपण भी आपको अच्छे अंक प्रदान करता है। इस संक्षेपण के बाद आता है आपके लिए पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न। पत्र लेखन की बात की जाए तो यहाँ पर पत्र लेखन में आपको हमेशा से केवल पत्राचार कहा गया है। पत्राचार यानी कि पत्र लेखन, और इस पत्र के अंतर्गत आपके कुछ विशेष पक्ष हैं, शासकीय, अर्धशासकीय और कार्यालय पत्र। 2015 और 16 के अंतर्गत केवल सामाजिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र, कार्यालय पत्र, शासकीय और अर्धशासकीय पत्र से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते रहे हैं। इस प्रश्न में दो प्रश्न हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है शासकीय पत्र में आपको लिखा हुआ है कि शिकायती पत्र किसे कहते हैं। इसकी विशेषताएं बताते हुए एक शिकायती पत्र का प्रारूप बनाइए जिसमें आप अपने क्षेत्र की समस्याओं और असुविधाओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए क्षेत्र के संसद सदस्य को पत्र लिखकर उन्हें दूर करने का अनुरोध करें। यानी आपको यहाँ पत्र में सब्जेक्ट दिया गया है। तो सबसे पहली बात कि शिकायती पत्र क्या है, आप इसे लिखेंगे। समस्या हो जाती है वहां पर दिए गए स्पेस को लेकर, क्योंकि एक शासकीय पत्र की 12 से 13 सीढ़ियां होती है। और एक चीज और क्लियर कर लूं कि माना कि अंग्रेजी माध्यम में जो पत्र लिखे जाते हैं उसके नियमों का पालन वर्तमान समय में हिंदी में भी किया जाता है, लेकिन कभी भी आप किसी शासकीय पत्र को देखेंगे तो उसकी रूपरेखा जो होगी वह हिंदी पत्रों के आधार पर ही आधारित होगी। इसलिए पत्र लेखन में हिंदी पत्र लेखन के नियमों के अनुसार ही आपके द्वारा पत्र लेखन को लिखा जाना जरूरी है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर वहां जगह नहीं है तो दिए गए जगहों को आप दो भाग में बांट सकते हैं। यदि वहां पर 8 लाइन दिया है और अगर आपने उसे 20 से भाग कर दिया तो 8 दुनी आपके पास 16 लाइन हो जाएंगे। ठीक है, अगली बात कि सबसे पहले आप इस प्रश्न को हल करें कि शिकायती पत्र किसे कहा जाता है, तो आप उत्तर लिखें कि शिकायती पत्र क्या होता है। दूसरी बात, प्रारूप का मतलब होता है केवल फॉर्मेट बनाना। ठीक है ना, प्रारूप का मतलब होता है फॉर्मेट बनाना। लेकिन यहां पर प्रश्न ने क्या कहा है कि प्रारूप बनाना है जिसमें आपको एक आवेदन करना है। तो ध्यान रखेंगे कि यदि आपको सिर्फ एक प्रारूप तैयार करने के लिए कहा गया, ध्यान रखेंगे यदि आपको सिर्फ कहा गया कि एक शासकीय पत्र का प्रारूप बनाइए तो सिर्फ आपको एक प्रारूप बनाना है। लेकिन यदि उस प्रारूप में आवेदन करने कहा गया है तो पूरी तरह से आवेदन का उसमें उल्लेख होना जरूरी है। पत्र लेखन के बाद अगला पक्ष आता है हिंदी साहित्य का इतिहास संबंधित, जो आपको बड़ा सताता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके काल विभाजन, उसका नामकरण और उसके ऐतिहासिक ग्रंथ के रचनाकार से संबंधित प्रश्न आपको हमेशा 2 नंबर का पूछा गया है, कभी कभी वह 3 नंबर का रहा है। जैसे 2016 में पूछा है आधुनिक काल का निम्नांकित काल विभाजन किस साहित्य के इतिहासकार के द्वारा किया गया है, यहाँ आपको दे दिया है काल विभाजन और ऑप्शन में दे दिया है इन 4 में से कौन से साहित्यकार ने इसका काल विभाजन किया है। दूसरा दिया है श्रुति काल को श्रृंगार काल की उपाधि किस साहित्यकार के द्वारा दी गई है, यहां भी आपको इसने ऑप्शन बनाकर दिया है कि क्या इसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि क्या इसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से। अब ध्यान रखिए, यहां चूंकि लिखित परीक्षा है इसलिए इसमें आपको टिक लगाने की आवश्यकता
नहीं है, बल्कि इसके बदले आप उस प्रश्न के उत्तर में जगह दिया है तो वहां पर स्पष्ट तौर पर लिखेंगे कि आदिकाल के निम्नांकित काल विभाजन को इस साहित्यकार के द्वारा लिखा गया है या किया गया है। तो आप वहां पर साहित्यकार का नाम मेंशन करेंगे, लिखेंगे, टिक नहीं लगाएंगे। उसी तरह रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, तो इन चार में से जिसने भी कहा है उसके नाम का उल्लेख आपके द्वारा किया जाएगा। अंतिम होता है आपके लिए हिंदी के प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न हमेशा से सुरक्षित है छत्तीसगढ़ के साहित्यकार और उसकी रचनाओं के बारे में, जो कभी 3 नंबर का, कभी 4 नंबर का, तो कभी 5 नंबर का अपना एक अस्तित्व हमेशा से रखता है। इसलिए 200 नंबर में से यदि यह छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 नंबर का पक्ष रखता है तो हिंदी भाषा में करीब 5 नंबर का अंक ये रखता है, यानी कि दोनों प्रश्न पत्रों में 15 नंबर तो केवल आपको मिलते हैं छत्तीसगढ़ी साहित्यकार और उसकी रचना से। इसलिए प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न हमेशा छत्तीसगढ़ी की रचनाओं से संबंधित होती है जिसके रचनाकार का नाम लिखना है। अब यहाँ पर आप जब लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 का आंसर क्या है उस साहित्यकार का नाम लिख सकते हैं, या तो इसके सामने डैश लगाकर, जैसे कि टोकरी भर मिट्टी ये माधवराव सप्रे की प्रथम मौलिक कहानी थी, दीना के अंजोर बंशीधर पांडे का पहला उपन्यास था, राम और केवट संवाद और कलिकाल छत्तीसगढ़ का पहला एक नाटक माना जाता है जो पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी के द्वारा लिखा गया था। और इस तरह हमेशा से हिंदी भाषा में जब तक यह 50 नंबर का था उस समय कम से कम 25 से 28 नंबर के प्रश्न केवल व्याकरण खंड से थे, बाकी के अंक आपके साहित्य खंड से थे। साहित्य खंडों में संक्षेपण और पत्र लेखन में आपको पूरे अंक ना मिले, लेकिन व्याकरण आपको पूरे अंक जो है वो देता है। इसलिए कोशिश करें कि कभी भी व्याकरण पक्ष को आप एक ऐसा पक्ष समझकर ना छोड़ें जो बड़ी आसान लगती हो लेकिन लिखते समय उसमें कठिनाई हो। अब हम चलते हैं 2017 में, क्या इसी तरह के प्रश्न 2017 में भी पूछे गए थे, तो चलते हैं 2017 के पूछे गए प्रश्नों को जानने के लिए। देखिए जिस तरह 2016 में प्रश्न पूछे गए थे वैसे ही प्रश्न 2017 में भी थे, जहां 2 नंबर के प्रश्न में अब यहां मैंने आपको बताया था कि पहला प्रश्न है जिसमें आशय स्पष्ट करने भी देता है, परिभाषित करने भी देता है, कभी कभी उसे समझाने कहता है। यहाँ का है निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए कि भाषा क्या है और बोली क्या है। दूसरा प्रश्न है मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तीसरा है निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जिस तरह 2016 में पूछा गया था मुहावरा और लोकोक्ति, यहाँ पर भी वह यथावत बना हुआ है, जहाँ मुहावरा और लोकोक्ति से संबंधित प्रश्न है यहाँ केवल लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करने कहा गया है, जबकि मुहावरे का अर्थ लिखकर उसके वाक्य प्रयोग करने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है पर्यायवाची। 2016 में पर्यायवाची से आपको 2-2 लिखने के लिए कहा गया था और कभी कभी यह कहता है निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखिए, वहां मेंशन नहीं करता कि कितने पर्याय लिखना है, लेकिन ध्यान रखेंगे पर्याय में किसी भी परिस्थिति में 2 लिखा जाना जरूरी है। लेकिन 2017 ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया जिसमें उसने पर्यायवाची के 4 शब्द लिखने के लिए कह दिए कि निम्नलिखित के 4-4 पर्यायवाची शब्द लिखिए और इसके अंक जो 2 नंबर के रखे गए हैं, जबकि देखा जाए तो इन 4 में से आपको आपके 4 चौक 16 मतलब अमृत के 4 पर्याय, आंख के 4 पर्याय, मार्ग के 4 पर्याय और हाथी के 4 पर्यायवाची शब्द जो है वो लिखने हैं। विलोम शब्द पहले की तरह बना हुआ है, अब 2016 में तत्सम था, अब यहाँ पर तद्भव शब्द लिखने के लिए कहा गया है, संधि विच्छेद करने के लिए कहा है, जबकि 2016 के प्रश्न पत्र में संधि करने के लिए कहा गया था, ठीक है, और 2016 में यहाँ पर संधि विच्छेद करने की बात कही गई है।
समास विग्रह यहाँ भी दिया है, अब यहाँ पर उपसर्ग से संबंधित जो प्रश्न है थोड़े से बदल दिए हैं। 2016 के प्रश्न पत्र में उपसर्ग से प्रश्न आया था कि निम्न उपसर्गों के प्रयोग से दो दो शब्द बनाइए, अब इसी उपसर्ग से 2017 में प्रयोग करके दिए गए शब्दों में से उपसर्ग को पहचानना है कि इस निष्पक्ष में कौन सा उपसर्ग है, सम्मान में कौन सा उपसर्ग है, अभ्युत्थान में और अनुगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग जो है वो किया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि निष्पक्ष कहता है तो यहाँ पर हम उत्तर के तौर पर लिखेंगे, जैसे आपने लिखा निष्पक्ष, ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे निस उपसर्ग, ठीक है, केवल आपको ऐसे ही लिखना है। निष्पक्ष में कौन सा उपसर्ग है, निस उपसर्ग, इसको पृथक करने की आवश्यकता नहीं है। बचपन में हम क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको 2016 के प्रश्न में बताया, वैसा आपको मेंस में लिखना भी नहीं है और न ही पृथक करने के लिए अगर कहा गया है कि कौन सा उपसर्ग का प्रयोग है तो आपको पूरा स्पष्टीकरण करने की, जैसे कि एक एग्जाम्पल निस धन पक्ष, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या कहना है, आप रफ वर्क में इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको तोड़ लीजिए, इसको समझ लीजिए, लेकिन उत्तर लेखन के समय में जहां आपको उत्तर लिखना है तो निष्पक्ष लिखकर बगल में निस उपसर्ग जो है वो लिखा जा सकता है। समोच्चारित शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये पिछले प्रश्न पत्र में भी था और 2017 में भी है कि अभिराम और अविराम का दोनों का अलग अलग अर्थ क्या है, रोचक और रेचक का अर्थ क्या है। जैसे कि रोचक कह सकते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें आनंदित करता है, लेकिन रेचक का मतलब होता है कि कब्ज क्या होती है। इसी तरह यदि देखें तो लक्ष्य और लवण की बात की जाए तो लक्ष्य जो है वो हमारे लिए उद्देश्य होता है, जो लक्ष्य है ये लक्ष्य हमारा होता है लाख को कहा जाता है, एक लक्ष्य दो लक्ष्य कहें तो लाख होता है। यहाँ थोड़ा सा इसने मिस्टेक किया है कि लक्ष्य के साथ में यदि ऑप्शन जोड़ना था तो वो लक्ष्य होना था, लेकिन चूंकि यहाँ पर दोनों का अर्थ बता दें तो लक्ष्य है हमारे लिए लाख और लक्ष्य है हमारा उद्देश्य। वाक्यांशों का एक शब्द यहाँ पर 3 नंबर का है, यानी कि यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए हैं कि दिशा का ज्ञान कराने वाला, किसी के अधीन रहने वाला, तो इसके लिए आप उसके बगल में ही उसका उत्तर लिख सकते हैं। यदि वहाँ पर स्थान दिया गया है तो ऑप्शन नंबर का एक का पहला का आंसर क्या है, दूसरा का आंसर क्या है, तीसरे का आंसर क्या है, वो वहाँ पर लिख सकते हैं। 2017 में जो आपको वाक्यांशों के एक शब्द दिया था जिसके अंतर्गत वहां पर 6 प्रकार के वाक्य लिखे थे, लेकिन वह 3 नंबर का था, यानी कि ईच क्वेश्चन हैव हाफ मार्क्स, यानी कि हर उत्तर में आधे अंक निर्धारित किए गए थे। तो वाक्यांशों के एक शब्द भी ध्यान रखेंगे कि हम अपने बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्दों का प्रयोग वहां नहीं कर सकते, जैसे कि विलोम शब्द के नियम है कि यदि वो तत्सम प्रभावी है तो हम वहाँ पर तत्सम प्रभावी शब्द लिखेंगे, वैसे ही यदि वो हमारे लिए प्रश्न कहता है विज्ञान से संबंधित या कुछ ऐसे शब्दों से संबंधित तो शब्दों के प्रभाव से ही आप वाक्यांशों का एक शब्द लिखेंगे। जैसे साल में एक बार होने वाला जलसा कहता तो सालाना कहेंगे, लेकिन यदि वो वर्ष में एक बार होने वाला कहेगा तो हम वार्षिक ही लिखेंगे। तो हिंदी में शब्दों का खेल है कि आप साधारण बोलचाल के शब्दों का इस्तेमाल ना करें बल्कि ऐसे शब्द का प्रयोग करें जो उस प्रश्न के उत्तर को सटीक बनाए। अगला देखिए तो छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए, तो यहां पर भी मानक वर्तनी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। वाक्यों के शुद्ध रूप कहता है तो यहां पर भी वाक्य से संबंधित शुद्धिकरण की बात कही गई है, यानी देखा जाए तो वर्तनी और वाक्य शुद्धिकरण हमेशा से रहा है। फिर आया है आपका 1/3 शब्दों में संक्षेपण करते हुए उचित शीर्षक दीजिए, जो हमेशा से रहा है। और फिर यहाँ पर दिया है शासकीय पत्र से आप क्या समझते हैं,
जिस तरह वहां दिया गया था शिकायती पत्र क्या होते हैं, यहाँ दिया है शासकीय पत्र। मैंने पहले ही बताया कि पत्राचार में शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय पत्र, व्यक्तिगत पत्र, सामाजिक पत्र जो हैं वो आपके 2017 तक हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। तो शासकीय पत्र से क्या समझते हैं इसकी विशेषता बताते हुए शासकीय पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए, जिसमें एक विषय दे दिया है कि भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा प्रदेश सरकार के लिए बाढ़ पीड़ितों की सहायता के विषय में लिखे गए पत्र का उल्लेख। और ध्यान रखेंगे, स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी परीक्षार्थी न तो अपना नाम लिखेगा, न अपना रोल नंबर, न ही पता और न ही शहर का नाम लिखेगा। यानी आप जब एक पत्राचार से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार के आपके रोल नंबर, नाम, राज्य का नाम, शहर का नाम कुछ भी मेंशन होना नहीं चाहिए। फिर दिया है हिंदी साहित्य के काल विभाजन में उत्तर मध्य काल को श्रृंगार काल किसने कहा और नवीन विकास काल, रीति काल, उत्तर युग को किसने कहा। तो यहाँ फिर से हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 2 नंबर के प्रश्न और छत्तीसगढ़ में किन रचनाकारों के द्वारा इस रचनाओं को लिखा गया है इसका प्रमाण देखने को मिला। तो अब तक 2016 और 2017 में प्रश्न पत्र पूरी तरह से एक समान थे, जहां पर बोली भाषा से संबंधित, स्वरव्यंजन की परिभाषा से संबंधित, विलोम, पर्यायवाची, समोच्चारित, वाक्यांशों का एक शब्द, वर्तनी शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरा, लोकोक्ति, उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित प्रश्न आपको हमेशा पूछा गया है और इतने पक्ष आपको हमेशा से याद करने हैं। संक्षेपण, पत्र लेखन, ये आपको समझने का है, ये आपकी प्रैक्टिस का है। रहे हिंदी साहित्य के इतिहास और छत्तीसगढ़ के साहित्यकार, लेकिन जैसे ही पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया, संस्कृत को हटा दिए जाने के बाद उसके 50 अंक जब हिंदी में डाल दिए गए तो 2018 में प्रश्न पत्र का तरीका पूरी तरह से नवीन पद्धति के अनुसार बदल दिया गया। सारे व्याकरणिक पक्ष तो यथावत बने रहे, परंतु व्याकरण के अलावा जो साहित्य खंड थे उससे प्रश्न आपके थोड़े से कठिन से हुए। नवीन पाठ्यक्रम में कुछ नई नई चीजों को जोड़ा गया। जहां आपको सिर्फ पत्राचार कहता था, इस पत्राचार के अंतर्गत उन्होंने अधिसूचना, पृष्ठांकन, प्रपत्र, परिपत्र, प्रारूप लेखन, टिप्पणी, विज्ञापन के साथ साथ हिंदी पत्रकारिता को ऐड किया। हिंदी भाषा से अंग्रेजी में और अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद कार्य को रखा और एक अपठित गद्यांश को भी आपके पाठ्यक्रम में नया जोड़ा गया। तो देखते हैं 2018 में उन्हीं प्रश्नों को किस तरह नए रूप में देखा। सबसे पहला दिया है स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, जो 2016 में स्वर और व्यंजन से आप क्या समझते हैं दिया था उसे रिपीट किया। और कभी भी देखें तो हिंदी भाषा में कभी भी वर्णमाला को मेंशन नहीं किया है, लेकिन वर्णमाला को मेंशन नहीं किया है क्योंकि हमेशा वर्तनी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और वर्तनी किस पर आधारित है, वर्णमाला पर, और वर्णमाला का ही एक हिस्सा है स्वर और व्यंजन। तो यहाँ प्रश्न दिया है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। तो स्वर और व्यंजन की यदि हम बात करें तो इसमें आपको डेफिनेशन लिखना है कि स्वर क्या है। स्वर स्वतंत्र वर्ण अक्षर होते हैं, बगैर किसी बाधा के कंठ ध्वनि से उच्चारित होते हैं और व्यंजन की पूर्णता के सहायक होते हैं, बस बात खत्म। व्यंजन क्या है, स्वर की सहायता से पूर्ण होने वाले हलंत वाले वर्णाक्षरों को व्यंजन कहा जाता है। और जैसा यदि आपने ऐसा लिख दिया तो आपके 2 अंक जो है पूर्ण तरह आपके लिए निर्धारित हो जाएंगे। दूसरा, उसी वर्णमाला से प्रश्न पूछ दिया गया है उच्चारण स्थान के बारे में। CGPSC प्री में यदि आप व्याकरण पक्ष को मजबूत बना लेते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए आपको बहुत आसानी होती है। यहाँ ट और व का उच्चारण स्थान, क और श का उच्चारण स्थान देखा जाए तो ये दोनों प्रश्न जो है वह वर्णमाला से है और यह दोनों प्रश्न आपको 4 नंबर का यानी 2-2 नंबर का पूछा गया है। हमेशा की तरह यहाँ पर्यायवाची है,
इस पर्यायवाची के बाद में विलोम शब्द है, तो जो उसकी रूपरेखा बनी हुई है 2015, 16, 17 में अगर हम इसके रूपरेखा की बात करें, तो जो रूपरेखा बनी हुई है वो अभी भी यहाँ देखने को मिल रही है कि यहाँ अभी भी इस वर्णमाला से संबंधित जो प्रश्न वर्तनी के पूछे जाते थे, प्रश्न जो पर्यायवाची के पूछे जाते थे 2018 में भी पर्यायवाची से प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। विगत दो वर्षों में समुच्चारण से आपको पूछा गया था, समुच्चारण शब्द का अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए, लेकिन अब देखिए यहाँ पर इसके दो प्रश्न बन गए। मैंने पहले ही कहा था कि कभी यह इसके अर्थ स्पष्टीकरण का प्रयोग जो है वो पूछता है, तो अब यहाँ पर आपको सीधे से सीधा प्रश्न कर दिया है कि समुच्चारित या भिन्नार्थक शब्द से आप क्या समझते हैं या इसका आशय क्या है, और दूसरा उसी का दे दिया है कि समुच्चारित शब्द के अर्थ भेद को स्पष्ट कीजिए, जैसे कि अजर और अजीर, तुरंग और तरंग। तुरंग और तरंग की बात करें तो तुरंग होता है हमारे लिए घोड़ा और तरंग होता है हमारे लिए लहर। शब्द के तद्भाव रूप लिखिए और उसी का एक पक्ष दे दिया है तत्सम रूप, क्योंकि अंक 100 नंबर के हो गए, इसलिए 2015 में यदि तत्सम पूछा था, 2016 में यदि तद्भव पूछा था, 2018 के प्रश्न पत्र में तत्सम रूप भी लिखने के लिए कहा है तो तद्भव रूप भी लिखने कहा है। ये तत्सम यानी कि अखरोट को हम तत्सम रूप में अक्षोट कहते हैं, परख को परीक्षा कहते हैं, खप्पर को खरपर कहते हैं, अंगरखा को हम अंगरक्षक कहते हैं। राजपुत्र जो संस्कृत में लिखा है इसका तद्भव राजपूत होता है, त्रिगुण का तिगुना होता है, कर्पदिका का हमारे लिए प्रयोग और गोस्वामी को गुसाई कहा जाता है। देखा जाए तो वाक्यांशों का एक शब्द और यहाँ पर अब आपके प्रश्न थोड़े से संधि में बदल जाएंगे। अब तक आपने देखा था कि 2016 और 2017 में संधि और समास से केवल एक एक प्रश्न बने थे। यह संधि और समास जो संस्कृत में आपको 16 अंक दिलाता था, यह समास जो छत्तीसगढ़ी भाषा में 2 अंक दिलाते थे, यानी कि कुल मिला के 200 में यदि हम अंक के बात करें तो संधि और समास संस्कृत में 16 और आपके समास से हिंदी में 2 नंबर, संधि से 2 नंबर करके 20 नंबर और 2 नंबर आपके छत्तीसगढ़ी में करके 22 नंबर का वेटेज रखता था। चूंकि संस्कृत की हट गई संधि सब विषय, इसलिए संस्कृत के हट जाने से इस संधि से जो हिंदी में हमेशा केवल एक प्रकार का प्रश्न पूछा गया था संधि और समास से, 2018 में उस संस्कृत को फॉलो करते हुए यहाँ 4 प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए पूछा है, और दूसरा है निम्न की संधि कीजिए, यानी कि यहाँ सिर्फ आपको संधि विच्छेद करना है, नाम नहीं लिखना है। ध्यान रखेंगे, यदि प्रश्न में कहा जाए संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए, तो यदि वह प्रश्न 1 नंबर का है तो आधा नंबर आपके संधि विच्छेद में है और आधा नंबर उसके संधि के नाम में है। लेकिन यदि आपको ऐसा नहीं कहा जा रहा तो बेवजह बिना मतलब के वहां पर उसके नाम मेंशन मत कीजिएगा, क्योंकि यदि वह उदाहरण दीर्घ स्वर का है और आपने उसे गुण कर दिया तो वो नंबर जो है वहीं पर काट दिए जाएंगे। इसलिए संधि से 2 प्रकार के प्रश्न हो गए कि निम्न की संधि विच्छेद कीजिए और संधि कीजिए, 2 प्रश्न आपके संधि से हो गए। वैसे ही समास से आपको यहाँ 2 प्रश्न देखने को मिलता है कि निम्नलिखित समासिक शब्दों का समास विग्रह कीजिए और दूसरा है समासिक पदों के समास की पहचान कीजिए कि शोकाकुल में कौन सा समास है, दीर्घायु में कौन सा समास है। उपसर्ग और प्रत्यय मूल शब्द को अलग करना है, जिस तरह 2017 में कहा था निम्न शब्द में प्रयुक्त तो उपसर्ग की पहचान कीजिए, अब यहाँ मूल शब्द को अलग करना है कि अत्युक्ति में से उपसर्ग अलग नहीं करना है, मूल शब्द क्या है। प्रश्न को समझेंगे कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है, तो उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है, तो यहाँ अति उपसर्ग है, उक्ति उसका मूल शब्द है, यहाँ दूर उपसर्ग है और लभ जो है वो मूल शब्द है। निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाइए, 2016 की तरह यहाँ उपसर्गों से भी शब्द बनाने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है
कि वाक्यों का प्रश्न जो पूछा है कि प्रत्यय किसे कहा जाता है, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी यहाँ पर अब उपसर्ग क्या है ये भी बताना है और उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर होता है उसे भी स्पष्ट करना है। प्रत्यय से संबंधित प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्यय से एक शब्द बनाइए। अब यहाँ केवल एक शब्द बनाना है, तो ध्यान रखेंगे आवट कहा तो बनावट लिख सकते हैं, अन कहा तो हम यहाँ पर कह सकते हैं चलन, इक कहा तो सामाजिक हो सकता है और अ कहा, अब यहाँ कहेंगे अ क्या है तो पठ यदि हम कहते हैं तो पाठ बनके वह अ उपसर्ग प्रत्यय का इस्तेमाल करता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर एक नया पक्ष आया है हिंदी पत्रकारिता से संबंधित, तो पत्राचार और पत्रकारिता दो अलग तत्व हैं, ध्यान रखेंगे। पत्राचार है लेटर राइटिंग जिसमें आपके पत्र लेखन संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और पत्रकारिता है जर्नलिज्म जहां हिंदी पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न पूछे हैं, जहां उत्तंड मार्तंड के संपादक का नाम लिखने बोला गया है और महापद प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के जगत में किस पत्रिका में संपादन का काम किया था उस पत्रिका का नाम लिखने कहा गया है। वर्तनी शुद्धिकरण आपको दी गई है, उसके नीचे वाक्य शुद्धिकरण दिया गया है, साथ में मुहावरा लोकोक्ति का अर्थ लिखकर स्पष्ट करना है और मुहावरे का वाक्य प्रयोग करना है। फिर दिया है आदिकालीन हिंदी साहित्य की तीन रचनाओं के नाम और उसके लेखक। अब देखिए प्रश्न बदल गए, 2 साल के प्रश्नों में आपने उसके नामकरण, काल विभाजन, साहित्यिक पुस्तकों के बारे में प्रश्न देखे थे, पर 2018 में हिंदी साहित्य के अलग पक्ष को यहाँ पर लिया गया है कि आदिकालीन हिंदी साहित्य की तीन रचनाकार, हिंदी साहित्य में आदिकाल के तीन रचनाकार, यानी कि जैसे कि आपके चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो लिखने वाले, आपके बिसलदेव रासो, खुमान रासो लिखने वाले जो आदिकालीन कवि थे उनका नाम लिखना है और उनके रचना का नाम लिखना है, यानी कि आदिकाल के हिंदी साहित्य के तीन रचनाकार और उनके लेखकों सहित, यानी कि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा, बिसलदेव रासो, खुमान रासो किस साहित्यकार ने लिखा उनके नाम के साथ लिखना है। उसी में भक्ति काल से संबंधित प्रश्न पूछ दिया, सगुण भक्ति धारा के तीन प्रमुख कवि और उनकी एक एक रचना का नाम, तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास है परंतु प्रश्न का दायरा जो थोड़ा सा बदल गया है, ठीक है, क्योंकि विगत कुछ वर्षों से वह केवल नामकरण, साहित्यिक ग्रंथ के रचनाकारों के नाम, काल विभाजन पर ही फोकस करता रहा, लेकिन 2018 में वह विद्यालयीन स्तर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर आपके सामने आया है। अगला देखा जाए तो निम्नलिखित रचनाएं छत्तीसगढ़ के किस रचनाकार की है, तो यह प्रश्न कभी भी छूटेगा नहीं क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ी रचना को लिखने वाले छत्तीसगढ़ी रचनाकारों के नाम लिखना है। अब तक आपने केवल देखा था, एक ही प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी रचना के रचनाकारों का नाम लिखिए, लेकिन यहाँ पर उसी से संबंधित दो प्रश्न है। निम्नलिखित रचनाएं छत्तीसगढ़ के किस रचनाकारों की है, तो यहाँ पर रचनाएं लिखी है उसके रचनाकार का नाम है, और दूसरा इसी का पक्ष दे दिया है जहां आपसे वो प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित साहित्यकार की एक एक रचना लिखिए, खूबचंद बघेल, पंडित बंशीधर पांडे, बिहारी लाल साहू, यानी कि यहाँ रचनाएं दी है जहां उसके रचनाकार का नाम लिखना है, नीचे रचनाकार दिए हैं जिसकी एक एक रचनाओं को लिखना है, यानी अब यहाँ ये 6 नंबर का प्रश्न हो गया, छत्तीसगढ़ी साहित्य से दायरा बढ़ गया प्रश्न का। अगला देखें तो निम्नलिखित गद्यांश का सार लगभग एक तिहाई शब्द में लिखकर उपयुक्त शीर्षक दीजिए, पहले की तरह अपना स्थान अब भी बनाकर रखा हुआ है। अगला, अब नया जोड़ा गया है अपठित गद्यांश। जिस तरह संस्कृत में एक सबसे पहला प्रश्न हुआ करता था अपठित गद्यांश का, और उस अपठित गद्यांश के अंतर्गत उससे संबंधित प्रश्नों को हल करना हुआ करता था, वैसे ही अब हिंदी में है कि एक अनुच्छेद दे दिया गया, उस अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न को उस अपठित गद्यांश के अंदर से आपको ढूंढ कर लिखना है, ऑप्शन मिस्टेक मत करें। अगली बात, जब पत्र लेखन की बात आती है
तो जब नवीन पाठ्यक्रम को जोड़ा गया तो नवीन पाठ्यक्रम में स्पष्टीकरण कर दिया गया कि अब के प्रश्न पत्र में कौन कौन से पत्राचार से संबंधित पूछे जाएंगे, जैसे कि अधिसूचना, जैसे कि शासकीय अर्धशासकीय पत्र, प्रारूप लेखन, प्रपत्र, परिपत्र, पृष्ठांकन, साथ में टिप्पणी लेखन, विज्ञापन और पत्राचार के हैं। तो यहाँ पर अधिसूचना से क्या आशय है और अधिसूचना का एक प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार में कार्यरत एक आईएएस अधिकारी को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अपर सचिव के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया हो। फिर यहाँ मेंशन ये है कि विद्यार्थी न तो अपना रोल नंबर लिखेगा, न नाम लिखेगा, न पता और न शहर का कोई भी नाम मेंशन नहीं करेगा। अब तक केवल एक प्रश्न थे, लेकिन 2018 में इस पत्र लेखन से दो नहीं बल्कि चार प्रश्न पूछे गए थे। अधिसूचना क्या है वो लिखना था और एक अधिसूचना जारी करने कही गई थी और उसी तरह अगला था प्रतिवेदन किसे कहा जाता है, इसकी विशेषता बताइए और इसी प्रतिवेदन का एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था कि महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव का एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। यानी कि जो पत्र लेखन आपको सिर्फ 6 नंबर का पूछा जाता था 2018 में देखा जाए तो इस 17 नंबर के प्रश्न में 3, 5, 8 और 8, 5, 13 नंबर का अंक केवल पत्र लेखन से पूछा गया है। अगला जोड़ा गया है हिंदी में अनुवाद करने के लिए। अंग्रेजी भाषा के अनुच्छेद को हिंदी भाषा में अनुवाद करने के लिए कहा गया है, तो अनुवाद का मतलब होता है किसी आधार भाषा को लक्ष्य मानते हुए उसके मूलभूत शब्दों का किसी अन्य भाषा में अनुदित किया जाना। अनुवाद का मतलब ये नहीं है कि हम वहां पर एक मक्खी की तरह एक लेटर के बदले में हम लेटर चिपका दे, नहीं। यदि हम उसके मूलभूत आदर्श को यथावत बनाकर अपने किसी भाषा में अनुवाद कर रहे हैं तो उसमें शब्दों का चयन, वाक्यों के शुद्धिकरण, मात्रात्मक त्रुटियों को, हर किसी चीज को ध्यान में रखकर एक उत्कृष्ट तरीके का अनुवाद किया जाना जरूरी है। अंतिम है आपका वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। अब एक चीज मेंशन कर दूं, जिस तरह छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रशासनिक शब्द हुआ करते थे, हिंदी भाषा में भी प्रशासनिक शब्द है। इस प्रश्न में वो चीजें छुपी हुई हैं। जब बनाया गया सिलेबस तो उसमें मेंशन ये नहीं किया गया है कि हिंदी प्रशासनिक शब्द को आपको याद रखना है, लेकिन जब वो ट्रांसलेशन को आपको दे रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, तो आप पढ़ कर देखिए कि मैं कार्यालय की टिप्पणी से पूरी तरह सहमत हूँ, आदेश जारी कर दिया जाए, मामला अभी विचाराधीन है कहता है, इस डिब्बे में आपके लिए कोई स्थान नहीं है कहता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कुछ प्रशासनिक शब्द और कुछ साधारण शब्दों के प्रयोग है। अब डिब्बे का मतलब हम यहाँ पर बॉक्स नहीं लिख सकते, क्योंकि इंसान बॉक्स में कभी भी फिट नहीं बैठेगा। इसलिए जब आपको अनुवाद करने के लिए कहा जाए तो शब्दों का चयन करना आवश्यक है। तो इस तरह यदि हम हिंदी भाषा जो वर्तमान समय में 100 नंबर की पूछी जाती है देखा जाए तो हम यहाँ लेकर चल सकते हैं कि जहाँ आपके 40% अंक केवल व्याकरण खंड में हैं तो 60% अंक आपके साहित्य खंड में हैं। इसलिए आपके 40% नंबर को प्राप्त करने के लिए आपको चीजें याद करनी होंगी जिसमें आपके व्याकरणिक पक्ष हमेशा से मजबूत रहें, और यदि व्याकरण मजबूत है, लेखन प्रक्रिया मजबूत है, वर्तनी की त्रुटियां वगैरह कुछ भी नहीं है तो आपकी प्रैक्टिस है जो आपके साहित्य खंड को भी मजबूत बना सकती है। इसलिए कोशिश करें हिंदी के लिए प्रतिदिन 1 घंटे का समय निकालिए, जहां 15 से 20 मिनट आप किसी पक्ष को लेकर याद कीजिए और बाकी आप अपने लेखन की जो तरक्की है उसको बढ़ाने के लिए लेखन पर एक प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपकी व्याकरणिक त्रुटियां सुधरें।
ताकि आपकी वर्तनी की शुद्धिकरण होती रहे और लिखने की जो आपकी स्पीड है वह बनती रहे। पर डे एक वर्ड पजल भरिए। ऐसा करने से शब्दों का चयन, शब्दों का उत्कृष्टपन और शब्दों के एक आपके संग्रह में जो है वह विशेषता और वह प्रभाव देखने को मिलता है। जब आप वर्ड पजल बनाएंगे तो शब्द के संग्रह होते जाएंगे, जब आप वर्तनी को समझने की कोशिश करेंगे तो उच्चारण की शुद्धता आपको लेखन में भी मदद करेगी। इसलिए वर्तनी का उच्चारण शुद्ध हो, लेखन में व्याकरणिक तत्वों का शुद्धि हो और इस तरह 100 नंबर में से आपके व्याकरण पक्ष आपको पूर्णांक प्रदान कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस है, लेटर राइटिंग की कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस कीजिए। और एक चीज बता दूं कि ये जो अनसीन पैसेज है यह न केवल आपको अनसीन पैसेज में मदद करेगा बल्कि दो पक्ष में और मदद करेगा। यदि आप अपठित गद्यांश की तैयारी कर रहे हैं तो वही अपठित गद्यांश आपको संक्षेपण की भी तैयारी करवा सकता है और वही अपठित गद्यांश आपको अनुवाद कार्य की तरक्की भी करा सकता है। तो देखा जाए तो अनुवाद कार्य की प्रैक्टिस के लिए, संक्षेपण के लिए अनसीन पैसेज ही मदद कर सकता है। तो एक पंथ तीन काज हो गए। और इस तरह देखा जाए तो पत्र लेखन की प्रैक्टिस हिंदी साहित्य के इतिहास में अब साहित्यकारों के अलावा बचपन में पढ़े हुए 11वीं और 12वीं में हिंदी साहित्य के काल विभाजन, उसकी विशेषताओं, उनके रचनाकारों को भी पढ़ना अब आवश्यक हो गया। चूंकि प्रश्न पत्र का दायरा बढ़ गया है तो एक ही टॉपिक से अलग अलग प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो एक छोटी सी कोशिश कि मैं आपको हिंदी समझा सकूं, तो ध्यान रखेंगे कि मात्रात्मक त्रुटियां ना करें। जो पक्ष याद करने वाले हैं उसे आवश्यक तौर पर याद रखें और जो आपको लेखन की प्रैक्टिस से प्राप्त होंगे उसे आप प्रतिदिन उसकी प्रैक्टिस करते रहें। जैसे कि अब तक मैं आपको प्रश्न पत्र को हल करने का तरीका बता रही हूं, तो एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी कि कभी भी संक्षेपण में दो शीर्षक ना लिखें, ना ही वहां पर इस तरह का मेंशन किया जाए कि इस अनुच्छेद का शीर्षक यह या यह। आपको केवल एक ही शीर्षक देने होंगे, दो शीर्षक देने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज को बहुत खास ख्याल रखेंगे। और इस तरह 2016, 2017 और 2018 के हिंदी विषय से संबंधित मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों को मेरे द्वारा 2016 का विस्तृत तौर पर, 2017 का उससे संबंधित और 2018 के नवीन पाठ्यक्रम को किस तरह उस प्रश्न पत्र में शामिल करते हुए प्रश्नों का दायरा बढ़ाते हुए प्रश्न पूछे गए थे, इन सभी का विश्लेषण करवाया गया। उम्मीद करती हूँ कि जिस सरलता से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इस मार्गदर्शन के द्वारा आप हिंदी भाषा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यदि हिंदी भाषा मजबूत है और प्रथम प्रश्न पत्र ही आपका सकारात्मक है, तो द्वितीय पत्र जो आपका उस दिन ही निबंध का होता है वह भी मजबूत होगा। तो भाषा पर निबंध का प्रश्न पत्र भी मायने रखता है, निर्धारित होता है और भाषा पर ही उस निबंध का अस्तित्व जो है वो समाया होता है। क्योंकि भाषा मजबूत है तो निबंध में शब्दों का चयन भी उत्कृष्ट होगा। इसलिए भाषा को सरल समझते हुए, उसे एक बोझिल भाव को न रखते हुए अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इसके व्याकरण खंड आपको गणित की तरह पूरे अंक प्रदान करते हैं। तो मेरी यही कोशिश और शुभकामनाओं के साथ आप सभी से मैं लेती हूँ विदा। मेरे सभी बच्चों को आने वाले भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।